क्या परिचय महोदय आपका? महेंद्र सिंह ललावता, जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व अध्यक्ष हूँ अजमेर का। अभी पिछला 2018 में विधानसभा का मैंने चुनाव लड़ा है अजमेर से। अब क्या कारण है अभी जमा होने का सर? क्या कारण है आज कांग्रेस के यहाँ सभी कार्यकर्ताओं के जमा होने का? देश के अंदर लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, देश के अंदर संविधान को समाप्त किया जा रहा है, और संविधान को समाप्त करने के साथ संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ जिस तरह का दुरुपयोग किया जा रहा है, और पहली बार न्यायपालिका को भी प्रभावित किया जा रहा है, ये इस देश के अंदर पहली बार हुआ, जो अच्छी बात नहीं है। राहुल जी की जिस तरह से मेंबरशिप को समाप्त किया गया, राहुल जी खाली अजमेर की आम आदमी की आवाज बन के तो खड़े हो रहे थे, पर जब उनपे जो कुठाराघात किया जा रहा है, तो आज कांग्रेस सब उनके समर्थन में खड़ा हुआ है, उनकी लड़ाई में खड़ा हुआ है, और आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से मान के चलना कि ये धरना प्रदर्शन आज ये मौन जुलूस नहीं है, ये आने वाले समय के अंदर लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए आपको और मुझे और खासतौर से आपकी टीवी चैनल को भी अगर जिंदा रखना है तो इस देश के संविधान को बचाना होगा, और देश को संविधान को बचाने का कोई एकमात्र व्यक्ति आदमी काम कर सकता है तो राहुल गांधी कर सकता है, कांग्रेस कर सकती है, इसलिए हम उनके साथ में खड़े हैं। वो धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, और कल उनके समर्थन में अगर जेल भरो का आंदोलन भी करना पड़ा तो हम लोग सब मिलकर जेल भरो का आंदोलन भी करेंगे, पर संवैधानिक संस्थाओं को जिंदा रखने का हमेशा प्रयास करेंगे। तो इनका कहना है कि ये एक मौन धरना नहीं है बल्कि लोकतंत्र को बचाने का एक साधारण सा तरीका है, लेकिन ये तो वक्त ही बताया कि आने वाले समय में इस धरने पर क्या रिएक्शन आता है जनता का। हमारे साथ थिंक 360 से बातचीत करने के लिए हमारे साथ महेंद्र सिंह जी हैं। महेंद्र सिंह जी, यहाँ पे कांग्रेस ने एक बड़ा जमा हुई है यहाँ पे। आज ये सत्याग्रह किया गया है, पूरे देश में किया गया है, जिस मुहिम को लेकर राहुल गांधी जी चल रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा से जो बीजेपी घबराई है, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, रोजगार की बात हो, युवाओं की बात हो, आज देश के अंदर संविधान को जो तोड़ा जा रहा है उसके खिलाफ राहुल गांधी जी को कमजोर करने की जो बीजेपी कोशिश कर रही थी, उसका जवाब राहुल गांधी जी ने संसद हो या जनता के बीच में हो हर जगह जाके दे रहे हैं। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता उसी उनके संदेश को मानते हुए आज मौन सत्याग्रह किया है, और ये पूरे देश में हमारे राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, उन्होंने जो मुहिम ली है, भ्रष्टाचार की बात हो चाहे से संविधान की बात हो, जो बीजेपी तोड़कर देश में माहौल बना रखा है, भाई को भाई से लड़ा रही है, इन चीजों को सबके विरोध में राहुल गांधी जी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा के रूप में जो संदेश दिया है, बीजेपी घबराई भी। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो वहां से उन्हें कुछ राहत मिल सकती है? देखिए, इस देश के अंदर न्यायपालिका पे हमें भरोसा है, न्यायपालिका का जजमेंट हमारे पक्ष में आएगा। राहुल जी ने कभी भी किसी के जाति के विशेष को कभी भी मौन किया, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर अगर वो बात करते हैं, और ये बीजेपी के लोग उन बातों को घुमाकर कहां कहां क्या बात करते हैं। आज उन्हें बात करनी चाहिए डेवलपमेंट की, उन्हें बात करनी चाहिए रोजगार की, उन्हें बात करनी चाहिए महंगाई की, जिन मुद्दों को लेकर वो लोग आए थे, और फालतू मुद्दों में लोग जनता को भटकाने की बात करते हैं। राहुल गांधी जी देश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है उसी काम को लेकर आगे चल रहे हैं। अगर आने वाले समय में अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत नहीं देती है और उनकी सदस्यता को रद्द कर देती है, तो कांग्रेस उस पर किस तरह से रिएक्ट करेगी? देखिए, हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, हमें सत्य की जीत होगी और जजमेंट आएगा, आपको खुद को लगेगा। ये तो बीजेपी के लोगों को डराने की, धमकाने की, तो राहुल जी तो खुद ही कहते थे जिस दिन यात्रा उन्होंने शुरू की थी, डरना की बात उन्होंने की थी, मोहब्बत की दुकान की बात की थी, देश के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आएगा, सबको एहसास होगा कि देश के अंदर न्यायपालिका उन सत्य में जो घटनाएं होती हैं उसमें जो फैसला आएगा उससे एक संदेश के रूप में जाएगा। करने के लिए जयपुर की महापौर मुनेश गुर्जर जी है, नमस्ते मैम। मैम, अभी कांग्रेस यहाँ पे जो जमा हुई है, क्या आप उम्मीद करती हैं इस महापूरे सदस्य से? देखिए, आज हमारा सत्याग्रह ताकत है हमारी। गांधी जी ने सत्याग्रह से ही भारत को आजाद करवाया था। सोची साजी साजिश के तहत राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द करवाने का काम भाजपा ने किया, लेकिन हमारे राहुल गांधी वो नेता है जो भारत जोड़ो यात्रा में निकले और वो मुखर होकर
भाजपा सरकार से लड़ रहे हैं, आम आदमी की महंगाई से त्रास्त है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है उसके लिए वो लड़ रहे हैं मुखर होके, और कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा मेरी सदस्यता रद्द कीजिए, आप जेल में डालिए, और हम उन्हीं के अनुयायी हैं। हम सब लोग यही कहेंगे कि ना हम जनता की आवाज बनकर लड़ रहे हैं, ना तो हमें डर है ना भय है, और ये जो आपकी सत्ता की ताकत है ये 2024 में आपको आंख दिखाने वाली है। और भाजपा सरकार का ये जो कुशासन है, जिस तरीके की नीति उन्होंने अपना रखी है, ईडी सदस्यता रद्द, जिस तरीके की प्रणाली को अपनाया है, ये गलत है और आज लोकतंत्र की हत्या कर चुकी है बीजेपी। आने वाले चुनावी साल में आप देखेगा भाजपा को करारी हार के साथ हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनकी त्रासदी से आम आदमी बहुत टूट चुका है, चूर हो चुका है। महिला हो, किसान हो, ऐसा कोई, आप देखिए महिलाएं धरने पे बैठी है, किसान धरने पे बैठे, ये लोकतंत्र है जहाँ पर महिला किसान धरनों पे बैठे हैं लगातार, और मोदी जी को फुर्सत नहीं है आने की, और वो खेल खेल रहे हैं जिस तरीके का। जनता को बिल्कुल उनके जो इरादे है वो समझ आ चुके हैं, जिस तरीके से वो समाज को जाति के आधार पर लोगों को बांट कर ध्रुवीकरण कर राज करना चाहते हैं, अब जनता सब समझ चुकी है 2024 में उनका नतीजा सामने आ जाएगा। आपको लगता है कि इस तरह से राहुल गांधी जी ने अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो आने वाले समय में अगर वहाँ से राहत नहीं मिलती है कांग्रेस किस प्रकार से उस पर रिएक्ट करेगी, कैसे फैसला लेगी? देखिए हमें हमारी न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, न्याय होगा, और हमें उम्मीद है कि क्योंकि आम आदमी, जिस तरीके से आम आदमी की आवाज बनकर राहुल गांधी जी गुजरे, न्याय पालिका भी उसको समझती है, और हमें पूरी उम्मीद है हमें वहां से न्याय मिलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक जी अभी जिस तरह से यहां पे एक पूरी जमा हुई कांग्रेस, क्या कारण है? देखो आज भारत में राहुल गांधी जी के पक्ष में पूरे देश में धरना दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि राहुल जी ने जिस रूप से संघर्ष किया, जनता से मिले, जनता के पास गए, और जब राहुल जी ने ये कह दिया कि मैं मेरा संघर्ष जारी रखूंगा चाहे आप जेल में डाल दें, लेकिन जिस रूप में देश में प्रजातंत्र पे भारतीय जनता पार्टी एक तरह का कुठाराघात कर रही है, प्रजातंत्र स्वतंत्र तमाम स्वतंत्र संस्थाओं पे चोट पहुंचाने का काम कर रही है, तो राहुल गांधी जी का ये संघर्ष इस प्रजातंत्र को भी कायम रखेगा और भारत की जनता की एकता और अखंडता की रक्षा में भी काम करेगा। आपको लगता है कि जिस तरह से अभी बीजेपी फैसले ले रही है कांग्रेस के ऊपर, या फिर जिस तरह से शासन लागू कर रही है अपना, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस पे? देखो कोई भी केंद्रीय पार्टी, कांग्रेस भी 55 साल देश में राज किया है, लेकिन देश की एकता अखंडता पे देश की जनता के पक्ष में निर्णय करने का मैं कहना चाहूंगा कि जिस रूप में देश में महंगाई बढ़ रही है, जिस रूप में देश में बेरोजगारी हो रही है, जिस रूप में भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, तो जो ये समय लाया जा रहा है ये देश की एकता और अखंडता पे तो खतरा है ही है, और तमाम स्वतंत्र संस्थाओं को जिस रूप में कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है ये देश के प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं। राकेश पारिक जी का विधायक। पारिक जी आप अभी तो बात करेंगे, क्या कारण है यहाँ पे जमा होने का, यहाँ पे आपके आने का कारण? तो आप बुद्धिमान आदमी है, ये आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पे सत्याग्रह कर रही है। मोदी जी ने जिस तरह से देश में अलोकतांत्रिक माहौल बना रखा है, एक जीते हुए सांसद को जिस ढंग से राहुल गांधी जी को उन्होंने चालबाजियों से करके कोर्ट कचहरियों के चक्कर में पटक के संसद से बाहर निकाला है, इसके लिए हम सत्याग्रह कर रहे हैं कि कम से कम मोदी जी को अक्कल आए, और इस ढंग से जो उनके बराबर का नेता है जिसको देश की जनता चाहती है उनके साथ अन्याय नहीं करें, इसीलिए सत्याग्रह कर रहे हैं। राजस्थान चुनाव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नहीं अभी राजस्थान की नहीं, आज तो सत्याग्रह की बात करो। राजस्थान चुनाव की बात गहलोत साहब से, पायलट साहब से, डोडासरा साहब से, अमृता धवन जी बैठी उनसे, वो रंधावा साहब बैठे उनसे करिए, हम तो वर्कर हैं। ये थे हमारे साथ विधायक जिनका मानना है कि आने वाले समय में राहुल गांधी को जरूरी एक अच्छा फैसला मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। कैमरा पर्सन मालचंद गोस्वामी के साथ मैं कुणाल गोयल, 360 जयपुर।